फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है, सबसे पहले यहाँ पर काजू और बादाम है वो मैंने निकाल कर रखे हैं, तो इसका मुझे पाउडर बना कर रखना है, क्योंकि सुबह के टाइम मेरे बेटे को और हस्बैंड को मैं जो दूध बना कर देती हूँ इसके अंदर मुझे चाहिए। तो सबसे पहले यही काम है वो मैं आज करने वाली हूँ, उसके बाद ही जो घर का काम है वो मैं स्टार्ट करूँ। तो वैसे तो मैं सुबह आज 6 बजे उठ गई थी, उसके बाद फिर जो शावर लिया, फिर मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक है वो पिया, उसके बाद ही जो मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को मिक्स कर लिया, यहाँ पर मिक्सी में मैं इसको पीस कर रख दूँगी। तो फिर महीना 1.5 महीने की जो फिर शांति हो जाती है, थोड़ा थोड़ा मैं दूध के अंदर डाल कर देती हूँ। और ये वाला जो वीडियो है काफ़ी पुराना है वैसे तो, क्योंकि जो मैं घूमने गई थी केदारनाथ वगैरह उससे पहले ये व्लॉग बनाया था, उसके बाद फिर हम लोग घूमने गए थे तो फिर बिल्कुल भी समय नहीं मिला था वीडियो एडिट करने का। और उसके बाद आने के बाद मैं मम्मी के घर चली गई थी घूमने के लिए, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया था क्योंकि मैं खुद के लिए समय निकालना चाहती थी। और मम्मी के घर से वापस आने के बाद जो 2 व्लॉग है वही मैंने डाले थे, तो मैंने सोचा ये व्लॉग मैंने बनाया है तो एडिट कर कर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जो काजू और बादाम का पाउडर है वो भी मैंने बना लिया, ये कांच की जो जार है इसके अंदर मैं स्टोर कर कर रखूँगी। तो 2 जार है वो मैंने ले ली, इसके अंदर जो पूरा पाउडर भर कर फ्रिज के अंदर रख दूँगी ताकि ख़राब ना हो जाए, और थोड़ा सा जो बच जाएगा वो मैं बाहर ही रख दूँगी तो वो यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से जो चीज़ें कर कर रखते हैं स्टोर कर कर तो फिर आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो कांच की जार है वो 2 भर लिए, इसका मैं ढक्कन है वो भी बंद कर देती हूँ और इसको रख देते हैं फ्रिज के अंदर, और जो थोड़ा बच गया है इसको मैं बाहर ही रख दूँगी। और पीसने के बाद मिक्सर ग्राइंडर इसको भी मैं हाथ के हाथ थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। इस तरीके से छोटी छोटी हैबिट बनाकर जो घर का काम करते हैं तो फिर बाद के लिए झंझट भरा काम नहीं होता, अगर ऐसे ही रख देते तो फिर इसके ऊपर भी कचरा जमा होने लगता है, धूल जमने लगती है, और जब भी हम कुछ पीसने के लिए भी करते हैं तो थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो इसीलिए हाथ के हाथ ही मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, तो फिर इस तरीके से चीज़ें ख़राब नहीं होती और बाद के लिए फिर जो हमारा काम है वो भी नहीं बढ़ता है। इसीलिए इस तरीके से काम की हैबिट बनाकर काम करते हैं तो हम पर काम का बर्डन भी नहीं रहता और फटाफट से जो काम है वो भी निपट जाता है। उसके बाद जो कल रात के बर्तन है वो मैं सारे ड्रॉअर में अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि चाय के जो बर्तन अभी मुझे उसको वॉश करना है। तो आज मैंने जो किचन से जो मेरा काम है वो मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं किचन में ही थी, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह निकाल कर पाउडर बनाया तो फिर यहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया, वरना मैं जो किचन ज़्यादातर लास्ट में करती हूँ। और सारे बर्तनों को अरेंज करने के बाद जो सारे बर्तन है चाय के और जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो भी मैंने हाथ के हाथ वॉश कर दिया, ताकि यहाँ पर पूरा किचन काउंटर टॉप इसको मुझे क्लीन करना है। तो जो भी एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह मैंने निकाले थे वो मैंने सारा वॉश कर दिया है, क्योंकि वीक में एक बार अच्छी तरीके से मैं पूरा चेक कर लेती हूँ, कोई चीज़ फिर ऐसे ही पड़ी रह जाती है तो फिर ख़राब होने लगती है, इसीलिए मैं हाथ के हाथ ही इसको चेक करती रहती हूँ। तो सारे बर्तनों को वॉश करने के बाद यहाँ पर जो सिंक एरिया है सामने की तरफ टाइल्स है, नल है, वो भी मैं वीक में 2 बार अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। इस तरीके से बस छोटी छोटी हैबिट्स से ही जो हमारा काम का रूटीन बना कर रखते हैं तो फिर जो चीज़ें हैं बिल्कुल भी ज़्यादा गंदी नहीं होती, और टाइम टू टाइम साफ़ करते हैं तो तुरंत के तुरंत ही साफ़ हो जाती है। तो इसीलिए बस थोड़ा सा रूटीन बनाकर जो काम करते हैं तो फटाफट से काम अरेंज भी हो जाता है और बाद के लिए बढ़ता भी नहीं है। तो यहाँ पर भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने जो क्लीन है वो कर लिया है, साफ़ कर ली। इसके बाद पूरा भी काउंटर टॉप है, गेस्ट है, उसको भी मुझे क्लीन करना है। और आज भिंडी की सब्जी बनानी है तो भिंडी भी मैंने निकाल कर रखी है, और यहाँ पर जो सारी चीज़ें फैली पड़ी है काउंटर टॉप पर तो वो सारी चीज़ें जो सिंक एरिया के पास रहती वहाँ पर ही मैं सारी रख रही हूँ। उसके बाद बारी आती है गैस स्टोव को क्लीन करने की, और सामने की तरफ भी टाइल्स है वहाँ पर भी मैं ऐसे ही थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ। बस ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, सिर्फ थोड़ा ही समय लगता है, लेकिन इस तरीके से जो काम की हैबिट डालते हैं तो फिर बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो पूरा जो काउंटर टॉप इसको मैंने क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया है। अभी मैं आ गई हूँ बाहर आंगन में, कुछ जो गमले हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते, इसके अंदर जो उसके पौधे उसकी जड़ें दिखने लगी है,
तो एक्स्ट्रा मिट्टी मैंने मंगवा ली थी मेरे हस्बैंड के साथ। यहाँ पर जो टब है इसके अंदर सारी मिट्टी मैंने डाल दी और थोड़ा सा जो खाद है वो मैंने डाला, अच्छी तरीके से मैंने उसको मिक्स कर लिया। इसके बाद सब गमले के अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैं ऊपर से डाल रही हूँ, क्योंकि उसकी जो सारे जड़े हैं वो दिखने लगी थी। इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले जो आंगन का काम है वो निपटा देती हूँ। फिर क्या होता कि यहाँ पर धूप आ जाती, इसीलिए जो फिर काम करना मुश्किल हो जाता। और वैसे भी आजकल जो धूप है बहुत तेज लग रही है, गर्मी में काम करना बिल्कुल ही जो नामुमकिन जैसा हो चुका है। लेकिन क्या करें, एक हाउसवाइफ को काम तो करना ही पड़ता है। इसीलिए जो मैं आंगन में फटाफट से कर रही हूँ काम, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं हल्की हल्की धूप आ ही चुकी। और सुबह 9 बजे की धूप भी आप समझ सकते हैं जैसे कि 12 बज चुकी, इतनी कड़ी जो धूप है। और कड़ी धूप में जो काम करना हम औरतों के लिए मुश्किल हो जाता है। और इतनी आजकल जो गर्मी पड़ रही है कि पूछिए ही नहीं। तो सारे गमले के अंदर मैंने मिट्टी है वो डाल दी है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने रखा है। लेकिन मैं सोच रही कि थोड़ा सा कुछ अलग करूँ, तो यहाँ पर अभी भी थोड़ी मिट्टी बच गई, इसको मैं संभाल कर रख दूँगी। और जितने भी जो गमले इसके अंदर मैंने सारे के अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी, आप देख सकते हैं, क्योंकि जड़ें दिखने लगी थी तो सीधा जो धूप है इसके ऊपर पड़ रही थी तो सारे जो पौधे हैं मुरझाने लगे थे। इसीलिए थोड़ा थोड़ी मिट्टी मैंने सारे के ऊपर डाल दी है। और यहाँ पर जो मैंने विंडो में जो लगाए थे प्लांट वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि किचन के अंदर थोड़ा सा मुझे अंधेरा लग रहा था। इसीलिए मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कैसा लगेगा। मैं ट्राई तो कर रही हूँ कि जो सामने एंटर में ही गेट है वहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं पौधे लगाऊँ। तो यहाँ पर किचन में काफ़ी हद तक उजाला हो चुका है। यहाँ पर पहले जो मैंने छोटे छोटे प्लांट लगाए थे तो किचन के अंदर बहुत ही अंधेरा लग रहा था, इसलिए मैंने हटा दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो आंगन है वहाँ पर मैं सफाई कर देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने सारी मिट्टी वगैरह निकाल कर यहाँ पर काम किया है तो थोड़ा बहुत तो मिट्टी गिर ही जाती है, तो अच्छी तरीके से यहाँ पर आंगन की सफाई है वो मैं कर देती हूँ। और यहाँ पर जो सारे गमले रखे हुए हैं उसके पीछे भी इस तरीके से सफाई करनी ही पड़ती, वरना फिर बहुत ही खराब लगने लगता है। तो सारे गमले हैं वहाँ पर पीछे की तरफ भी मैंने अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद बारी आती है सारे गमले के अंदर जो पानी डालने की। तो बस बहुत गर्मी की वजह से आजकल जो 2 टाइम मैं पानी डालने लगी हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और तो सारे पत्ते हैं वो भी सूखने लगे हैं, कुछ कुछ पौधे बहुत सूख भी चुके हैं। उसके बाद आ गई हूँ घर के अंदर, यहाँ पर जो सारी दवाइयाँ वगैरह है वो मैंने निकाल कर रखी हुई थी। और जो रेनकोट पड़े हुए हैं उसको भी वॉश करना है, क्योंकि बेड के अंदर रखे रखे थोड़ी सी जो बेड स्मेल आ रही थी इसीलिए इसको भी मुझे वॉश करना है अभी अभी। यहाँ पर थोड़ी बहुत जो चीज़ें मैंने यहाँ पर ऊपर भी रखी हुई सारी चीज़ें मैं एक साथ रखती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। वैसे तो हम लोग घूम कर भी आ चुके हैं, लेकिन ये व्लॉग मैंने पहले बनाया था लेकिन एडिट करने का समय ही नहीं मिला था। तो फिर मैंने जो सोचा कि मैं बाद में डाल ही देती हूँ। यहाँ पर जो रेनकोट है इसको भी मैंने पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया ताकि जो बेड स्मेल है वो निकल जाए। उसके बाद पूरा जो घर का काम है वो निपटाया, झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग सारी चीज़ें हैं वो मैंने निपटा दी। इसके बाद फिर बारी आती है खाना बनाने की, क्योंकि जो धूप तो कम होने का नाम नहीं ले रही, गर्मी तो इतनी इतनी पड़ रही है, लेकिन हम हाउसवाइफ को घर का काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे हर एक हाउसवाइफ करती है, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन गर्मी ही इतनी है कि आप पूछिए ही नहीं। तो यहाँ पर जो आज सब्जी बनानी है भिंडी की, तो भिंडी को भी मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर चावल इसको मैंने भिगो कर रख दिया है और यहाँ पर पैन भी चढ़ा दिया है। यहाँ पर भिंडी है इसको मैं तड़का दे देती हूँ। उसके बाद फिर जो मैं आटा गूँथूँगी, तो तेल गर्म होने के बाद यहाँ पर मैंने डाला है राई जीरा हींग हल्दी का पाउडर। उसके बाद जो कटी हुई भिंडी है वो मैं सारी डाल दूँगी, तो खाने में भिंडी की सब्जी बहुत ही टेस्टी लग, तो मुझे तो बहुत बहुत ही पसंद है, मेरी फेवरेट है भिंडी की सब्जी, तो ज़्यादातर मैं अपने लिए बना ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर भिंडी की सब्जी उसको मैं पकने के लिए रख दिया है धीमी आंच पर। तब तक यहाँ पर जो आटा है वो भी मैंने गूँथ लिया है। तो बस आटा गूँथने के बाद मैं उसको अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है उसको भी मैं हाथ के हाथ वॉश कर दूँ, और काउंटर टॉप पर जो बिल्कुल भी जगह भी न ले इस तरीके से मैं इसको ट्रांसफ़र कर कर रख देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी भिंडी की सब्जी है वो भी पक चुकी है, तो जो सारे ड्राई मसाले हैं वो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो धनिया का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाला है, तो हमारी टेस्टी वाली जो भिंडी की सब्जी वो बनकर तैयार है। उसके बाद फिर जो गर्मा गर्म रोटियाँ है वो मुझे बनानी है अभी,
तो आज जो रायता खाने का मन हो रहा था, तो यहाँ पर जो ओनियन इसको मैं ऐसे ही चॉपर में कट कर लेती हूँ, और मेरे बेटे के साथ जो बूंदी है वो मैंने मंगवा ली। आज मुझे बूंदी वाला रायता खाने का मन हो रहा है। और यहाँ पर जो दही है, ऊपर से जो मलाई वाला दही है मेरे हस्बैंड के लिए निकाल लेती हूँ, उसको बहुत ही पसंद है। और जो बाकी का दही इसको मैं ऐसे फेंट लेती हूँ, तो मेरा बेटा आएगा बूंदी लेकर तो मैं रायता भी बना लूँगी। यहाँ पर जो दही है वो मैं निकाल लेती हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर जो मैंने मूंग की सब्जी बनाई थी तो बस ऐसे ही मैं फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, तो 2 दिन में मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो थोड़ा सा जो मूंग है उबला हुआ वो डाला है, उसके बाद चॉपर में चॉप की हुई ओनियन डाली है, और अब मेरा बेटा आएगा तो खारी बूंदी जो आती है वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर। तो ये सारा नाश्ता है वो लेकर आया है, तो मैं सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिब्बे के अंदर फिर भर दूंगी। तो गांठिया और ये खारी बूंदी है वो लाया है, सेव है, बिंगो है, फिर जो मसाले वाली पूरी आती है वो है, यहाँ पर वेफर्स है, फिर बिस्किट्स है, उसके बाद जो बनाना वेफर्स है वो है, और मेरे लिए और उसके लिए जो किटकैट है वो लाया हुआ है। तो किटकैट है जो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, तो खुद के लिए लाया तो मेरे लिए भी लेकर आ गया है। उसके बाद जो खाखरा है, भाखरवड़ी, इस तरीके से जो नाश्ता है वो लेकर आया है। तो सारा नाश्ता है मुझे अभी डिब्बे के अंदर भी भरना है, लेकिन सबसे पहले जो रायते के अंदर बूंदी है वो मैं डाल देती हूँ। तो ये रायता बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, यम्मी लगता है, और गर्मी की सीज़न में तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का। तो आज थोड़ा सा मैंने मूंग भी डाल दिए, इस तरीके से ये हेल्दी भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर गाढ़ा दही रखा है, कोई कोई इसके अंदर पानी डालता है लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तो इसीलिए हम लोग गाढ़ा गाढ़ा ही खाते हैं। तो सारी जो चीज़ें हैं इसको मैं डिब्बे के अंदर रख देती हूँ। और जो बूंदी है इसको भी मैंने डिब्बे के अंदर ट्रांसफ़र कर दी है, जब भी रायता बनाना होगा तो फटाफट से हो जाएगा। तो गर्मा गर्म रोटियां भी मैंने बना ली। तो ये है आज का मेरा खाना, 2 रोटी, चावल, रायता, भिंडी की मेरी फेवरेट सब्जी, और मोहन थाल है वो मैंने थोड़ा सा लिया है। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते, मिलते नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।